नमस्कार, मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूँ सेव इको ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि सेव इको ऑर्गेनिक कंपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाती है जो कि 100% ऑर्गेनिक होता है। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट जो है गो फंगस। गो फंगस सेव इको ऑर्गेनिक द्वारा बनाई गई एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। गो फंगस विशिष्ट प्रकार के वनस्पति पर आधारित जैविक कवकनाशी है। एक कवकनाशी एक विशिष्ट प्रकार का कीटनाशक है जो विशेष रूप से रोग पैदा करने वाले कवक को रोककर या मारकर कवक रोग को नियंत्रित करता है। इट मीन्स कि जो पौधे में कीड़े लग जाते हैं, फंगस लग जाते हैं, उन सबको रोकता है। गो फंगस जिनमें नीम, आरएनडी और करंज का केक होता है, यह जड़ के प्रमुख मिट्टी जनित रोग जनको कवक और बैक्टीरिया को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। गो फंगस परजीवी नेमाटोड और सफेद ग्रब आबादी को नियंत्रित करने में बहुत ही उपयोगी होता है। आपको बता दूं कि नीम के बीज के केक में नोट्राइपरपिनोइड और आइसोप्रिनोइड होते हैं जो प्राकृतिक रूप में निमेटीसाइड हैं और यह फ्यूजेरियम और वर्टिसीलियम विल्ट को प्रभावी रूप से नियंत्रित करता है। गो फंगस पर्यावरण के अनुकूल है जिसमें एंटीफिडेंट गुण होता है जिसकी मदद से परजीवी सूत्रकृमि और सफेद ग्रब को नियंत्रित करता है। गो फंगस मिट्टी के साथ साथ हमारे जड़ में लग रहे फंगस को नियंत्रित करता है और यह हमारी मिट्टी के साथ साथ जड़ को भी मजबूत बनाता है ताकि हमारे पौधे की भी अच्छी वृद्धि हो। गो फंगस का इस्तेमाल 250 ग्राम प्रति एकड़ की दर से किया जा सकता है। गो फंगस का इस्तेमाल करने से पौधे की पोषकता बनी रहती है, जड़ में मजबूती रहती है, मिट्टी में फंगस नहीं लगता है। इसलिए गो फंगस को हम जैव कवकनाशी भी कहते हैं जिसकी मदद से हमारी मिट्टी, हमारे पौधे के जड़ मजबूत होते हैं और हमारी पौधे की अच्छी वृद्धि होती है। फंगस की वजह से, कवक की वजह से हमारे पौधे की पत्तियां पीली हो जाती हैं, सूखने लगता है, जड़ से कमजोर होने लगता है। इसलिए पौधों पे गो फंगस का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे पौधे की वृद्धि हो और हमारी फसल अच्छी हो। कुछ और जानकारियों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी, कुछ और प्रोडक्ट्स के जानकारियों के साथ मैं फिर से आऊंगी। तब तक स्वस्थ रहिए और हमारे भूमि को भी स्वस्थ रखिए। धन्यवाद। अगर हमारे वीडियो से जुड़े, हमारे प्रोडक्ट से जुड़े कोई भी सवाल आपके मन में आते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।